आज से पहले कभी इतनी परेशानी होने उठाई है। अमेजिंग, कितना ज्यादा प्यारे लग रहे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अभी लैग्स पहले से बेहतर है, अब चल पा रहे हैं आराम से। अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही उठे। और अब आज हम वृंदावन जाएंगे, सिर्फ वृंदावन जाना है। और आज मौसम खुला हुआ है तो आई गेस पानी तो गिरेगा नहीं, तो ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा पानी गिरा है। तो अभी फ्रेश होके हम रेडी होंगे और देन फिर निकलते हैं। तो चलिए फिर मैं भी रेडी हो जाता हूँ जल्दी, देन हम निकलते हैं वृंदावन के लिए। ऑल सेट फॉर टुडे। दोस्तों सब रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग नीचे खाना खाने जा रहे हैं। ये प्रदीप है, आप जानते होंगे। अब खाना खाएंगे और फिर निकलना है हमें मंदिर के लिए। आज टाइम तो पहुंच गया है तो खाना भी मिल जाएगा। और फिर हमने खाना खाया। जस्ट अभी हम यहाँ का खाना खा के आए, जिसे प्रसाद बोलते हैं। सबसे पहले वो भगवान को चढ़ता है यहाँ पे, देन फिर यहाँ पे रहने वाले सबको मिलता है। तो मैं बता नहीं सकता, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और भरपेट हमने खाया। और अब हम बैग पैक करके निकल रहे हैं वृंदावन के लिए। ये कुंड है, जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल है। आई गेस ये फाउंटेन्स हैं जो रात में चलते होंगे। बहुत ही ज्यादा बड़ी जगह लग रही है। हम लोग जस्ट अभी मथुरा पहुंचे हैं और प्लान में थोड़ा सा चेंज है। जो मंदिर था वृंदावन वाला, वो 12 बजे बंद हो जाता है, तो हम वो मंदिर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो बंद हो गया है। हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो हम अभी कृष्ण जी की जो जन्मभूमि थी, जहाँ पे वो मंदिर बना था, वहाँ जा रहे हैं। वो भी बंद है, बट हम बाहर से देख के मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाहर से कैसे दिखता है। दोस्तों यह वो मंदिर, बट आएगा बंद है ये मंदिर अभी। दोस्तों हम लोग अंदर जा रहे हैं, वो जो ऊपर मंदिर है उसके ऊपर जो मेन जगह है वो बंद, बट बाकी सारी चीजें खुली हैं। तो हम देखने जा रहे हैं और सॉरी आप सभी को, क्योंकि मैं अंदर फोन नहीं ले जा पाऊंगा। उन्होंने मना करके रखे कि अंदर फोन नहीं जाएगा, तो अब हम जा रहे हैं अंदर। A few moments later. जोश अभी हम अंदर से निकल के आए हैं उस मंदिर से। और अंदर बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं देखने को, बट आधी जगह तो बंद है क्योंकि वो 4 बजे खुलेंगी। तो अब हम लोग फाइनली सारी चीज़ें देखने के बाद अब जाएंगे स्टेशन। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और अब रात के 1 बजे जाएगी ट्रेन विदिशा। तो इसी के साथ ये था मथुरा का आखिरी व्लॉग। और मथुरा की जो पूरी जर्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही, बट सॉरी आप सभी को, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगह थी और बहुत सारे मंदिर थे जहाँ पे मैं कैमरा नहीं ले जा सकता था। तो आपको मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पाया और इवन हमने भी बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाए, क्योंकि कई बार हम लेट हो गए और वो चीज़ें बंद हो गई, वो मंदिर बंद हो गए। बट खैर जितना भी देखा, जितना भी रहा एक्सपीरियंस, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब बहुत अच्छी जगह है मथुरा और एक तीर्थ स्थल है, तो श्रद्धालु बहुत ज़्यादा हैं। और इवन कृष्ण जी जो इतने ज़्यादा फेमस है, जो गोपाला हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे।
और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बट बस एक चीज़ की मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लगी, वो ये था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मंदिर और धर्म के नाम पे बिजनेस कर रहे थे, वो थोड़ी सी चीज़ मुझे बेकार लगी। और बाहर पानी गिर रहा है और मैं इधर बाहर इसलिए आया क्योंकि अंदर आवाज़ आ रही थी तो मैं बोल नहीं पा रहा था ढंग से। तो बस खैर यही था वीडियो, आई होप आपको मथुरा के जो जितने भी ब्लॉग्स थे वो सारे पसंद आए हों। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अब कल से वही बैक टू बेसिक्स, कल से जिम ज्वाइन करना है, 3-4 दिन हो गए वर्कआउट नहीं किया है। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। और एक सेकेंड से कहाँ रखूँ, इधर, और स्टे फिट। Thank you.